जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए इतिहास के लगभग 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो आप लोग पूरा सेशन को लास्ट तक देखें और कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दे पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि बाद में मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कार्नवालिस को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन थे? चलिए दूसरे के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन थे? और दोस्तों आज के सेट में लगभग 43 प्रश्न हैं, और अगर आप लोग इसमें से 35 प्रश्नों का भी सही सही आंसर देते हैं तो समझ जाइए आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। इसी तरह से आप लोग आगे की तैयारी करते जाएं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर दो बच्चे लॉर्ड हेक्टर मुंडो को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन थे? तो लॉर्ड हेक्टर मुंडो। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में होता है। एक पूछा जाता है प्लासी का युद्ध, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, और इसमें अंग्रेज के सेनापति कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने। आगे देखिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब की गई थी? तो इसका सही जवाब दो बच्चे 12 अगस्त 1765 को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? सोच समझकर आंसर देना है, भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक था, ध्यान रखना है। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था, जो कि 1498 ईस्वी में आया था। सिख धर्म में संगत, धर्मशाला एवं पंगत, जिसको लंगर कहा जाता है, इसका प्रचलन किसने शुरू किया था? चलिए फटाफट से पांच के लिए आंसर बताएंगे। तो ये किसके द्वारा किया गया था? गुरु नानक देव के द्वारा। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। डच लोग कहाँ के निवासी थे? चलिए आंसर करेंगे 6 के लिए, डच लोग कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही जवाब है नीदरलैंड। डच लोग नीदरलैंड के निवासी थे। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था? चलिए आंसर बताएंगे, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किस गुरु के द्वारा किया गया था? और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं, तो आप लोग टाइमिंग को ध्यान रखें। तो 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गुरु हरगोविंद साहिब जी के द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया गया था। हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए आंसर बताएंगे, हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आंसर बताइए, ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था?
तो इसका सही जवाब है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा लागू किया गया था। फ्रांसिसियो ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सोच समझकर आंसर देना है। फ्रांसिसियो ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, सूरत में। फ्रांसिसियो ने प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाया था। कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और इस शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जॉब चार्नॉक के द्वारा, याद रखना है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए एक पूछा जाता है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। गोवा पूछा जाता है, तो ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखना है। उज्जैन पूछा जाता है, उज्जैन छिपरा नदी के किनारे है, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप सभी जानते हैं 1600 ईस्वी में। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? चलिए आंसर करेंगे। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो जो भी बच्चे डुप्ले को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए प्रश्न भले ही इजी लग रहा है आपको, लेकिन यकीन मानिए यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर करेंगे, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, और भारतीय रेलवे का जनक बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को, ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था इसमें अंग्रेज के सेनापति कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। और प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को, और इस युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ सकता है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो याद कर लीजिए लॉर्ड क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने। भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक बताना है, किसे माना जाता है? तो आप लोग याद कर लीजिए वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग, दोनों को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो 18 का आंसर क्या होगा? अभी ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखिए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? फटाफट से आप सभी 19 के लिए आंसर करेंगे, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो भारत का प्रथम वायसराय अभी हमने आपको बताया लॉर्ड कैनिंग। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो ये बेबीलोन का शासक था। और सिकंदर की मृत्यु कहाँ होती है?
यही बेबीलोन में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। वांडी वास का युद्ध कब हुआ था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है और सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है। तो वांडी वास का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब है 1760 में होता है। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? चलिए आंसर कीजिए बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, ध्यान रखना है। और वांडी वास का युद्ध 1760 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? चलिए 23 के लिए आंसर करेंगे। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था, 1699 में। किसके द्वारा? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, तो ध्यान रखना है। आगे देखिए इलवट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? चलिए आंसर करेंगे इलवट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? तो 24 का आंसर क्या है? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था इलवट बिल विवाद। फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच वांडी वास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच में हुआ था वांडी वास का युद्ध। कब हुआ था वांडी वास का युद्ध? तो अभी हमने आपको बताया 1760 में, और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था आयरकूट ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 इसकी समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एक्स लॉ सापेल की संधि से, ध्यान रखना है। प्लासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 में होता है, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सोच समझकर आंसर करना है, अभी हमने आपको बताया है। तो इसका आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में रॉबर्ट क्लाइव को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और बक्सर के युद्ध में किसने नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो ने। भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे और आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। तो याद कर लीजिए भारत में अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था। गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था? देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब होता है और कहाँ पर होता है। तो निधन कहाँ हुआ था याद कर लीजिए, नांदेड़ में निधन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में है पिंडारियों का दमन किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो देखिए इसका सही जवाब है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाया था? तो याद कर लीजिए नरबलि प्रथा पर रोक किसने लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। भारत में सती प्रथा का अंत, इस प्रश्न पर सबसे पहले आप लोग स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए भारत में सती प्रथा का अंत पूछे तो डेट भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1829 में होता है। किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? चलिए आंसर करेंगे 32 के लिए फटाफट से। तो याद कर लीजिए सती प्रथा का अंत होता है 1829 में, किसके शासनकाल में यानी किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ था, और इसमें सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। यह भी पूछा जाता है कि इसमें सहयोग किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने, ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति कौन थे? तो देखिए इसका आंसर जो भी बच्चे
मीर जाफर को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? चलिए 34 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया, तो टीपू सुल्तान, याद रखना है किसने, टीपू सुल्तान ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1758-63 में होता है, किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? चलिए 35 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो ये होता है पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, याद रखना है। टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ स्थापित किया था? चलिए आंसर कीजिए, टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ स्थापित किया था, तो याद कर लीजिए श्रीरंगपट्टनम। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था? सोच समझ कर आंसर देना है, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था, इसका सही जवाब है साई मियां मीर, डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम बोले तो 10वें गुरु। चलिए आंसर कीजिए, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, तो ये है गुरु गोविंद सिंह। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लीजिए टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है कब, तो 1799 में। किस युद्ध में, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। युद्ध का भी नाम याद रखना है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, अभी हमने आपसे पूछा था कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है 1666 में, ध्यान रखना है, और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। फूट डालो राज करो नीति किसने शुरू की? तो फूट डालो राज करो ये नीति शुरू किया था लॉर्ड कर्जन ने, ए बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और उस समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर, याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल का दीवानी प्राप्त हुई? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो देखिए इसका सही जवाब है इलाहाबाद की प्रथम संधि के आधार पर, तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।